मैं तनुजा चारण, छात्र संघ अध्यक्ष एमबीसी महिला महाविद्यालय और एबीपी की जिला छात्र प्रमुख होने के नाते आज छात्राओं की पूर्ण रूप जितनी भी समस्या है उनके तहत आंदोलन किया गया है, तालाबंदी की गई है। अगर कॉलेज में लेक्चरर ही नहीं है, क्लास ही नहीं लग रही है, तो कॉलेज किस लिए खुला है? नाम मात्र खुला होने से कुछ नहीं होगा। हम जिला प्रशासन जनप्रतिनिधि को ये अवगत कराना चाहते हैं कि किस प्रकार छात्राओं को समस्याओं से यहाँ जूझना पड़ रहा है और यहाँ लेक्चरर की जो पूर्ति है वो पूर्ति करवाने एवं कॉलेज को पीजी करवाने के लिए प्रदर्शन किया। समाधान तो बिल्कुल ही नहीं है, बस ये कहा जाता है कि होगा होगा, पर होगा कब वो अभी तक नहीं पता। तो सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करना पड़ा, तो अभी आपने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो पुतले भी फूंके जा सकते हैं। जी जरूर, अगर सरकार हमारे यहाँ की बेटियों के लिए कुछ कर नहीं पा रही है तो हम सरकार क्या, शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, सबका पुतला यहाँ जलाया जाएगा, उनके विरोध पूर्ण रूप से प्रदर्शन किया जाएगा। मेरा नाम मनीषा महेचा है और मैं इस कॉलेज की इकाई अध्यक्ष हूँ। बीए सेकेंड ईयर में मैं स्टडी करती हूँ। यहाँ पे 1215 लड़कियाँ पढ़ती हैं, लेकिन पढ़ती कहाँ है? इस नाम मात्र की इस बड़ी सी बिल्डिंग में पढ़ती है। कहने के लिए पढ़ती है लेकिन कहाँ पढ़ती है, मुझे तो दिखाई नहीं देता। मैं खुद बीए सेकेंड ईयर तक आ गई हूँ लेकिन मैंने आज तक कॉलेज में स्टडी नहीं देखी है, क्योंकि मेरे सब्जेक्ट के टीचर लेक्चरर ही नहीं है यहाँ पे, तो पढ़ाई क्या होगी? मैं गांव से आती हूँ, मुझे पता है यहाँ तक मैंने 2 साल से मैं देख रही हूँ कोई स्टडी नाम की चीज ही नहीं है यहाँ पे। एक पॉलिटिकल साइंस की क्लास लगती है और एक हिंदी की क्लास लगती है, जो पॉलिटिकल हम सबका कॉमन है, लेकिन हिंदी हमारे है ही नहीं। हमारे इंग्लिश के, हिस्ट्री के कोई लेक्चरर ही नहीं है, तो हम पढ़ेंगे क्या? तो क्या साइंस के सारे जो पद है वो रिक्त पड़े हैं। एक बॉटनी के है मैम, कॉमर्स के एक सर है और 2 हिंदी के है, इनमें से क्या पढ़ाई हो सकती है? अगर लेक्चरर ही नहीं है इस कॉलेज में तो पढ़ाई होगी क्या? नाम मात्र की बिल्डिंग हमें नहीं चाहिए। हम एक पेड़ के नीचे भी पढ़ सकते हैं, जब हमारे पास लेक्चरर होंगे हम पढ़ सकते हैं। हमें ये नहीं चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी करो कॉलेज में। अगर सेल्फ स्टडी करनी है तो हम प्राइवेट फॉर्म भर सकते थे, लेकिन हमने रेगुलर इसीलिए किया है क्योंकि यहाँ पे लेक्चरर होते हैं, हमने ये सुन रखा है, लेकिन यहाँ पे कोई लेक्चरर नहीं है। पीजी कॉलेज की भी डिमांड है। पीजी कॉलेज की डिमांड हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें बीए करने के बाद यहाँ पे कॉलेज स्टडी ठप करनी पड़ेगी, क्योंकि पीजी कॉलेज जो बाड़मेर का गवर्नमेंट कॉलेज पीजी है ना, वहाँ पे लड़कों की ज़्यादा है इसलिए, और फैमिली वाले जहाँ लड़के ज़्यादा होते हैं वहाँ पे अपनी बेटियों को नहीं भेजेंगे, ये जाहिर सी बात है। जहाँ लड़के ज़्यादा है वहाँ पे लड़कियों को कौन भेजेगा? और वहाँ पे सब कहते हैं दंगे फसाद होते हैं, लड़के ऐसे करते वैसे करते हैं, तो लड़कियों के लिए मुझे भी लगता है कि वहाँ पे सेफ जगह नहीं है। और अगर गर्ल्स कॉलेज है तो इसको पीजी क्यों नहीं बनाया जाता है? नॉर्मल सी बात है, अगर ग्रेजुएशन कर सकते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी तो होना चाहिए ना। और अब मैं बीए करने के बाद ही क्यों छोड़नी पड़ रही है पढ़ाई? इसका मेन रीजन यही है कि हम बॉयज कॉलेज में जा नहीं सकती और गर्ल्स कॉलेज में पीजी नहीं है। अच्छा, एक अंतिम मेरा ये सवाल रहेगा आपसे कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं रहते, छात्र छात्राएं इस कॉलेज से बाहर निकलने के बाद उनके पास सिवाय घर पकड़ने के कुछ भी नहीं ऑप्शन है, तो अब अपने हकों की लड़ाई के लिए कितना दूर तक जाएंगे आप? हम हक की लड़ाई लड़ने के लिए इस कॉलेज में जो करना पड़ेगा, हम जो हमसे बन पड़ेगा हम सब करेंगे, आंदोलन करेंगे, अनशन भी करेंगे। और जब तक हमें लिखित में नहीं मिल जाता और जब तक हमें कुछ मिल नहीं जाता, हम झूठे आश्वासन नहीं मानेंगे। थैंक यू। सर, इनका जी आए हमारी बात करने के लिए तैयार। आप तो रख रहे हो तैयार, और फोन भी कर दिया तैयार, ठीक है।